ब्याह को अभी साल भर भी नहीं हुआ। इस नए जीवन के आनंद में बिल्कुल भूल गए थे कि हम अनाथ हैं। ये बीमारी मुझे लेकर ही जाएगी। बिमला, अब फिर दुनिया में तुम्हारा कोई न रहेगा। नहीं नहीं, ऐसी बातें क्यों करते हो? हिम्मत ना हारो, तुम जरूर अच्छे हो जाओगे। मन मोरक क्यों देवाना है, मन मोरक क्यों देवाना है, आज रहे कल जाना है, आज रहे कल जाना है, मन मोरक क्यों देवाना है। आज के लिए जो धूम तो कल को घन अंधियारा छाना है, घन अंधियारा छाना है। मन मोरक क्यों देवाना है, आज रहे कल जाना है, मन मोरक क्यों देवाना है। फूल चमन में खिला आज तो कल उसको मुरझाना है, फूल चमन में खिला आज तो कल उसको मुरझाना है। मन मोरक क्यों देवाना है, आज रहे कल जाना है, मन मोरक क्यों देवाना है। जिसको हम चाहे कुछ करे चला उसे हा जाना है, हा जाना है। मन मोरक क्यों देवाना है, आज रहे कल जाना है, मन मोरक क्यों देवाना। माता जी, मेरे पति बहुत बीमार हैं। आपका दर्द भरा गाना सुनकर उनका मन और भी उदास हो गया। कृपा करके इसे यहाँ न गाया कीजिए। अच्छा, न गाऊंगी। भगवान तेरे पति को अच्छा करे। भगवान उनका कहा पूरा हो। मन मूरख क्यों दीवाना है, आज रहे कल जाना है।
तुमने सुना आज रहे कल जाना है, मगर मैं जाने से डरता हूं कि तुम्हारा क्या हाल होगा। तीरथ भाई मैं आ गया। किशोर आ गया, किशोर जाओ ले आओ, जाओ। किशोर आ गया, किशोर। क्या हाल है तीरथ भाई का? तार पड़ते ही मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, वो जीवन से बिल्कुल निराश हो चुके हैं। मैं हजार हिम्मत बंधाती हूँ, मगर भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे अब तक जीता रखा, कि फिर एक बार किशोर का मुंह देख लूं, उसकी आवाज सुन लूं। वाह तीरथ भाई, तुम भी अजीब आदमी हो, ये क्या तार भेज दिया? तुम आ गए किशोर, बड़ा अच्छा किया। फिक्र थी तुम्हारे पहुंचने से पहले ही कहीं 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 क्या कहीं? अगर पागलपन की बातें करोगे तो तीरथ भाई मैं वापस चला जाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। तुम्हें एक बार देखना चाहता था, तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था। ऐसा तार न भेजता तो भला तुम आते? कितनी मुद्दत बाद यह हंसी सुनी है। भगवान किशोर भाई का आना उनके लिए शुभ हो। किशोर, तुम्हें देख के वह दिन याद आ गए जब जीवन मेरे सामने था। तो अब क्या हो गया? शहर चलो, वहां बड़े बड़े डॉक्टर हैं। डॉक्टर, मौत का इलाज किसी के पास नहीं। तीरथ भाई, इतना घबराते क्यों हो? मैं मौत से नहीं घबराता, लेकिन मेरे बाद बिमला का क्या हाल होगा, ये चिंता मुझे खाए जाती है। मेरी तरह वह भी अनाथ है, घर बार माता पिता अपना पराया कोई नहीं। तीरथ भाई, ये चिंता तुम्हारी बीमारी को और भी बढ़ा रही है। अव्वल तो इसका कोई डर नहीं, और ईश्वर न करे कुछ हो भी गया तो ये छोटा भाई तो मौजूद है। किशोर, किशोर, तुमने मेरी सब चिंता दूर कर दी। जिसका कोई नहीं उसका भगवान है, इसे मैं अब समझा। भगवान ने इसीलिए जीवन में हमें तुम्हें मिलाया। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि बिमला को तुम्हारे सहारे छोड़ना भगवान के सहारे छोड़ना है। किशोर ने मेरी आधी बीमारी दूर कर दी, अब
जी हल्का है। नहीं देख बतर सताना किसी का, नहीं देख बतर सताना किसी का, सताना किसी का, मिटाना किसी का, नहीं देख बतर सताना किसी का। रेडियो को कोई क्यों नहीं बंद कर देता? खैरिये मैं बंद करता हूँ, कैसा खराब गाना। शर्म से हार जाना किसी का, गले शौक से फिर लगाना किसी का, हमें याद आता है रर के यारों, पीछे घर चलती है। हमें इस रेडियो को बंद करने जा रहा हूँ, गानों की पर्दे फाड़ डाले। बंद क्यों कर दिया? इसलिए कि ये शरीफ आदमियों के क्लब में सुने जाने के काबिल न था। बीरन साहब जो खबर लाए हैं उसे सुनोगे तो कानों में उंगलियां ही डाल लोगे। इस बार किस गरीब की शामत आई? कुछ मत पूछो, क्लब के सबसे शरीफ मेंबर यानी किशोर की। मैं भी उन महाशय को शरीफ समझता था जब तक के एक चिड़िया इनके कान में आकर ना कह गई कि किशोर एक आवारा औरत के साथ रहता है। किस चंडू खाने की गप है ये? किशोर ऐसा आदमी है, वो किस खानदान से है ये भी मालूम है आपको? मुझे ना सही, लेकिन जिसने मुझे ये खबर दी है उसे तो मालूम है। किशोर साहब के बाप साहब ने जो बड़े धर्मात्मा बनते हैं उस बेचारे को नौकरी से अलग कर दिया। अब वो और उसके बीवी बच्चे भूखों मर रहे हैं। और ये भी एक सुनी सुनाई बात पर कि उसने गांव की एक लड़की पर बुरी नजर डाली थी। समझा, इसलिए उन हजरत ने बाप को बदनाम करने की गरज से बेटे को सान दिया। वो खबर देने वाले साहब क्लब के मेंबर हैं? क्यों? इसलिए कि अगर वो हैं तो उन्हें फौरन निकाल देना चाहिए। जी नहीं, बल्कि किशोर का नाम काट देना चाहिए अगर ये खबर सच है। जी हाँ, अगर जाकर सुन क्यों नहीं लेते अपने कानों से? जरूर सुनेंगे। हाँ, दो दो छुट्टियां गुजर गईं और किशोर घर नहीं आया। वो जानते थे कि आप लोग यात्रा पर गए हुए हैं? हम यात्रा पर गए थे, घर तो नहीं गया था। उसे यहाँ आने के लिए किसने मना किया था? जब आप प्रयाग से यहाँ के लिए रवाना हो गए तो मैंने डाक भेजना बंद कर दिया। उससे पहले बराबर आपके पास प्रोग्राम के मुताबिक मुख्तलिफ पतों पर डाक भेजता रहा था। उम्मीद है कि आपको मिली होगी। जी हाँ, और आखिरी दफा प्रयाग में मिली।
ये बात है, तभी घर नहीं आता। सुरेश बाबू, मैं आज रात को शहर जा रहा हूँ। आज रात को? 6 महीने के बाद तो आज आप वापस आए हैं। फिर जरूरी काम है, आप अंदर इत्तला कर दीजिए। बहुत अच्छा। किशोर बाबू को भी तार दे दूं? जी हरगिज नहीं, मैंने जो कहा वो कीजिए बस। बहुत अच्छा। मेरो जन्म मरण को साथी, सुध ना बिसरूं दिन राती। मेरो जन्म मरण को साथी। आ जाइए भाभी। अरे तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? क्या पीठ पर भी आंखें हैं? हम आंखों से नहीं, जादू के जोर से देखते हैं। जादू के जोर से, समझी? ये जादू घर है और हम जादूगर। ओ, ये जादूगर है और आप जादूगर? अच्छा जादूगर जी महाराज, आप और भी कुछ बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते, हमसे दुनिया का कौन सा भेद छुपा है? जिन, फरिश्ते, इंसान, जमीन, समंदर, आसमान, सबका भेद शीशे में मौजूद है। बोलिए क्या जानना चाहती हैं? क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त आपके माता पिताजी कहाँ होंगे? बस इतनी सी बात पूछती, फरिश्ते इस वक्त क्या गा रहे हैं, जिन्नात इस वक्त क्या ला रहे हैं, भूत प्रेत क्या खा रहे हैं, तो एक बात भी थी, पर सुनिए। एक दो दस, पीपल की तोड़ू नस, बंगले का तोड़ू तारा, तू किनले पूरे 12, आशी बाशी काशी। काशी में है, कहिए कैसी कही? कही तो बड़ी अच्छी भैया, पुण्य भूमि काशी। तुम्हारे जादू में जो सचमुच कहीं जोर होता तो मैं उड़ के सीधी काशी चली जाती और विश्वनाथ भगवान के दर्शन करती और माता पिताजी के साथ तीर्थ तीर्थ घूमती फिरती। हाँ, जो कहीं ऐसा होता तो जन्म सफल हो जाता। खैर अब न सही फिर सही, जब आप घर जाकर रहेंगी तब ऐसे मौके बहुत मिलेंगे, क्योंकि पिताजी का जीवन तो ज्यादातर तीर्थ यात्रा ही में गुजरता है। घर कब चलोगे भैया? उन लोगों के लौटने की खबर मिली और हम चले। अरे अभी से 8:30 बज गए, जाके खाना बनाओ। भाभी आज बुध है ना? बुध? हाँ हाँ। तो झट से उड़द की दाल बना डालो। क्यों? सुना नहीं महाकवि मिनमिनदास जी क्या लिख गए हैं? सुना है। है? क्या? बुध जो खाए उड़द की दारा, जाड़ा लग के चढ़े बुखारा। नहीं नहीं, ये किसी अनशन कवि की बकवास है,
मिन मिन दास जी लिख मरे हैं कि बुद्ध न खाए उरत की दारा, पानी पी पी मरे बिचारा। यूं क्यों नहीं कहते कि आज उरत की दाल जी चाहता है। पिताजी, ये कौन है? भाभी। भाभी, कैसी भाभी? मैं इनका सब हाल बता दूंगा पिताजी। आप पहले कपड़े बदल के नाश्ता कर लीजिए, रात भर सफर किया है। माताजी तो अच्छी हैं। और ये औरत कौन है? मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त की बेवा है। दोस्त की बेवा? और तू उसके साथ रहता है? बेशर्म, बेहया। पिताजी, हम दोनों एक मकान में रहते जरूर हैं, मगर भाई बहन की तरह। बेशक, ये बात मुझसे छुपाई क्यों गई? मैं इंतजार कर रहा था कि आप तीर्थ यात्रा से लौट आए तो भाभी को लेकर घर आऊं। जी, ऐसी कहानियां मैं बहुत सुन चुका हूं। किशोर, तुम धर्म की राह से डिग गए, तुमने नरक का रास्ता पकड़ लिया। उस डायन ने अपनी छल विद्या से तुम्हें बस में कर लिया है। पिताजी, आप उनके साथ बेइंसाफी कर रहे हैं। वो सती हैं, नेक हैं। बाबू साहेब, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए। अभी वो तुमसे हंस हंस के बातें कर रही थी। सती और नेक औरतों के ये लक्षण हैं। उस कलमुई को फौरन घर से निकाल बाहर करो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि बिमला को तुम्हारे सहारे छोड़ना भगवान के सहारे छोड़ना है। नहीं छोड़ सकता? आए? हाँ पिताजी, नहीं छोड़ सकता। ढोंगी, मक्कार, अपने पिता से ये कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती कि तू एक बेहया, बेगैरत? पिताजी, आप मुझे जो चाहे कह लें, लेकिन उस देवी की शान। देवी? उल्टा कलमुई। बस पिताजी, बहुत हुआ। मैं उन्हें हरगिज अलैहदा न करूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिरी फैसला? नालायक बाजी, आज से तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरा बाप नहीं। मेरी जायदाद से तू फूटी कौड़ी पाने का हकदार नहीं। मेरे वारिस मेरे हकदार दूसरे बेटे होंगे। मेरे मरने के बाद भी मेरी चिता में तुझे आग देने का अधिकार न होगा। मैं जाता हूँ और प्रतिज्ञा किए जाता हूँ कि जीते जी तेरा मुंह न देखूंगा। पिताजी, पिताजी! ठहरिए पिताजी, आप गलत समझे, मैं निर्दोष हूँ, आपके चरणों की कसम खा के। चलो स्टेशन।
हमने क्या पाप किया है? क्या भाई बहन एक घर में अकेले नहीं रह सकते? एक माँ बाप की औलाद न सही, मगर दिल से तो हम भाई बहन हैं। किशोर भाई, तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक कब की तुम्हें छोड़ के कहीं चले गई होती। मगर औरों की तरह तुम्हारे पवित्र हृदय का अपमान नहीं कर सकती। तुम्हारे पिताजी के तो और भी पुत्र हैं, वो तुम्हें छोड़ सकते हैं, मगर मेरा तो एक ही भाई है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। भाभी, हम दुनिया को दिखा देंगे कि कमजोरी और पाप हम में नहीं, बल्कि खुद दुनिया और दुनिया वालों में है। धर्म और सत्य की सदा जीत होती है, हमारी जरूर जीत होगी। क्या बात है? आ जाओ। क्या बात है भाभी? जी अच्छा नहीं? बड़ा दर्द है, सर फटा जा रहा है। वोशो, जब तक मकान खाली था शांति थी, अब नए किराएदारों ने बड़ी मुसीबत है। खिड़की बंद कर दूं? इससे कुछ ना होगा, जो थोड़ी बहुत हवा आ रही है वो भी बंद हो जाएगी, दम घुटने लगेगा। वो देखो किशोर भाई, मुझे यहाँ से कहीं भेज दो, जहाँ पास पड़ोस शोरगुल दुख दर्द कुछ ना हो, बस मैं हूँ और मेरा शांति का जीवन हो। गिरा मेरी है, तुम मुझे गा के सुनाओ ना कि मैं तुम्हें, है ना पिताजी? कैसे कहूँ बेटी, मुझे वो जमाना याद है जब तू अपनी सालगिरह के जलसों पर बेसब्री से इंतजार किया करती थी कि कब कोई तुझे कहे और कब तू नाचे गाए। याद है इमागिनी देवी? और नहीं तो क्या, रेनू कोई मेरी आज की देखी है? आपको याद होगा जब मैं पहली बार आप लोगों से मिली थी, रेनू की माँ तब जिंदा थी, उससे कितनी मोहब्बत करती थी बेचारी। रेनू 8-9 बरस की थी, लेकिन कैसे नाचे थी मुंडो, तब मैं बच्चा थी। और अब बड़ी बूढ़ी है, है बेटी? मेरी आंखों में तो तेरी बूढ़ी सूरत खिल रही है, वो फूल सा खिला हुआ मुखड़ा, वो नाच के जोश में पागल आंखें। विनय चाचा, आप तो रेनू को संगवा के बैठ गए, बेटी आपकी है, कोई हम छीन तो ना ले जाएंगे। अच्छा अच्छा, जा बेटी, सबका जी बहना, एक गाना तो सुना। हाँ, 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 हाँ।
अच्छा नहीं मानते तो भुगतो, वो दुर्पद अलापों के शोरगुल को भी भूल जाओ। बस बस शोर बंद करो, रेनू गाती है। नहीं नहीं कान बंद कीजिए, मैं चीखती हूँ। आज तो आनंद भर, आज तो आनंद भर, कृष्ण आए पाहुना, कृष्ण आए पाहुना, कृष्ण आए पाहुना, कृष्ण आए पाहुना, राम आए पाहुना, राम आए पाहुना। माफ कीजिए, पड़ोस में एक देवी बीमार है, क्या कृपा करके आप गाना बजाना बंद। क्या हु बिला इत्तला पराए घर में घुसाए और नादिरशाही हुक्म ठोक दिया, आखिर आप है कौन? मैं पड़ोस में रहता हूँ, बारहा सदर दरवाजे की कुंडी खटखटाई, लेकिन जब कोई जवाब न मिला तो मजबूरन इस तरह आना पड़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप गाना बजाना बंद करेंगे, क्योंकि रात बहुत जा चुकी। रात जा चुकी तो अगली ट्रेन से वापस ले आइए। रात जा चुकी, क्या पुलिस के कानून की धमकी देते हो? ये धौंस हम पे न चलेगी पहलवान, इस इलाके के पुलिस अफसर हमारे मामा हैं, सगे मामा, समझे? जी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर किसी के सगे मामा पुलिस ऑफिसर हों, तो सब कानून तोड़ने का हक हासिल नहीं हो जाता। खामोश, अगर ज्यादा जबान खोली तो। नहीं नहीं अनुपम, मतलब ये के, हाँ आप ठीक फरमाते हैं। रेनू अपना गाना खत्म करो, रीवा बाजा बंद करो, अनुपम तुम भी अपनी अपनी पीपनी संभालो, मतलब ये के। देखो जी। नहीं नहीं अनुपम, हम नए नए इस महल्ले में आए हैं, न जान न पहचान, आप विश्वास रखिए महाशय, एक देवी बीमार है, गाना बजाना कैसे हो सकता है, मतलब ये के हरगिज नहीं। धन्यवाद। विनय बाबू सचमुच विनय की मूर्ति है। ये अनुपम बाबू को क्या सूझी, बेचारे को डांट दिया। जी हाँ, अभी रेनू से मांगनी न ब्याह, अनुपम बाबू मकान के मालिक ही बने जाते हैं। चुप, अनुपम की माँ इसी तरफ देख रही है। माफ कीजिए विनय बाबू, आपने बड़ी गलती की, भला ऐसे आदमियों से शराफत बरती जाती है। और क्या, न सर पे टोपी न पैर में जूता, नंग धड़ंग। देखो ना माँ। भाई मतलब ये के देखने में तो शरीफ मालूम होता था। शरीफ गुंडा था, गुंडा है गुंडा। जी छटा हुआ, इन्हीं लोगों की शरारत से तो इस मोहल्ले में झगड़े फिसाद डाके बलवे होते हैं। बलवे? जी बलवे, आपको मालूम नहीं शहर में हर बलवे की शुरुआत इसी मोहल्ले से होती है। नहीं अनुपम, ये क्या कहते हो, मैं बूढ़ा बीमार इस बच्ची को लेकर कहाँ रहने चला आया, बलवा गुंडा है। अनुपम बाबू, आपको मालूम तो है पिताजी की तबीयत खराब है, फिर भी आप इन्हें परेशान कर रहे हैं, आपके पास क्या सबूत है कि वो भला मानुस गुंडा था? न जाने वो लड़की मुझे क्या समझती हो कि कहां से जंगली आन धमका और गाना बंद कर दिया। गुंडा नहीं, कभी नहीं। गुंडे नहीं भाभी, शरीफ लोग हैं बेचारे। शरीफ लोग इतनी इतनी रात गए ऐसा शोर मचाते हैं? उनके यहाँ सालगिरह थी। अच्छा तो तुमने नाहक रंग में भंग डाला, दोस्त तो मेरा ही था, जरा से दर्द से इतनी घबरा गई। दर्द से नहीं भाभी, बल्कि उस सदमे से जो कल पिताजी की। क्या करूं भैया,
खैर इस बात को भूल जाना चाहिए। हाँ स्पिरिट तो एक भूल नहीं। ओह मैं तुमसे कहना भूल गई। खैर पास ही दुकान है, मैं भी लाता हूँ। दीन बंधु ने फोन किया था क्या आज सुबह यहाँ आएंगे? जी हाँ, कल रात सालगिरह के जलसे में नहीं आ सके थे ना, इसलिए। हाँ हाँ आए तो बैठा रखना, मैं घूम आऊँ। हाँ घूम आइए। रेनू जी, दीन बंधु का इंतजार कर लेता तो अच्छा था। मतलब ये कि नहीं पिताजी, फिर धूप तेज हो जाएगी। अब ठंडा वक्त है, ऐसे ही में तो डॉक्टर ने आपको घूमने को कहा है। हाँ कहा तो है। अच्छा तो मैं घूमने जाता हूँ, जाऊँ? जरूर। अच्छा आज पिताजी कुछ ज्यादा परेशान मालूम होते हैं, क्या बात होगी कुछ समझ में नहीं आता। रेनो रेनो जरा सुन दो। आई पिताजी आई। दीन बंधु आ जाते तो साथ ले जाता, अकेला जाऊं या ना जाऊं? पिताजी हैं? अनुपम कहता था कि वो कल वाला आदमी गुंडा है, वो गुंडा था? नहीं पिताजी, क्या अनुपम, क्या अनुपम की बात, आप खामखा परेशान होते हैं। नहीं नहीं, फिर भी खबरदार रहने में क्या खर्ज है। नौकर बाद आ गया है, तुम दरवाजा बंद कर लो और होशियार रहना। आप फिक्र मत कीजिए, जाइए। नमस्ते बाबूजी, आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, मैं कल रात आपके यहाँ आया था। आपकी छड़ी। रेनू रेनू दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। आपकी तबीयत खराब है? हाँ बहुत खराब है। खोल खोल। दीनबंधु दीनबंधु क्या बात है, क्या बात है? भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। नहीं तो है, है, क्या बात है? ये गुंडा भाई, ये तो किशोर है। कौन किशोर? मेरा पुराना शागिर्द, अब कॉलेज में प्रोफेसर। लेकिन ये बोतल क्यों जी, तुम शराब पीने लगे? शराब नहीं मास्टर जी, स्पिरिट। रेणुमाई तुम्हारे पिताजी को आज किसने काट खाया? अंदर आइए, नहीं तो लोग समझेंगे हमें सबको पागल कुत्ते ने काट खाया है। मतलब ये के आइए प्रोफेसर साहब। चलो भाई हुंडे। माफ कीजिए किशोर बाबू, उस बेवकूफ अनुपम ने बात का बतंगड़ बना दिया। मतलब ये के तो आप भी मुझे गुंडा समझी? जी हाँ। आपका दोष नहीं, मेरी सूरत ही ऐसी है।
अनुपम बाबू, आपको नहीं पहचानते, ये आपके गुंडे महाशय है। झटपट अपने पुलिस वाले मामा जी को इत्तला कर दीजिए। पहले मुझे भाग जाने दीजिए। बैठिए बैठिए, आपके यहाँ मेहमान आ रहे हैं, पर कपड़े भी ठीक नहीं पहने हुए। कपड़ों से गंदापन थोड़े ही छुप जाएगा। खैर, अब यहाँ तुम्हारी जान पहचान हो गई। जी हाँ, आपका घर है, जब जी चाहे आइए। धन्यवाद। अब की ये हजरत किस बहाने से आए? बहाना कैसा, सदर दरवाजा खुला ही था, जनाब दंदन आते चले आए। वो तो खैरियत हो गई कि मैं ऐन वक्त पर पहुंच गया, है ना? और क्या, नहीं तो न जाने। आप भी अकल के पीछे लौट बांधे फिरते हैं जनाब। किशोर को मैं मुद्दत से जानता हूँ, वो हुंडा नहीं। भाभी, खबरदार, जो कुछ पास पल्ले है रख दो इधर, हम हुंडे हैं, हुंडे। अच्छा, कब से? हाल ही से। खैर, जल्दी करो, लाओ बाएं हाथ से सब माल रख दो। गुंडे महाशय, माल देने में मुझे कोई इनकार नहीं, मगर ये तो बताइए, महीने भर का खर्च कैसे चलाऊंगी? उफ, तुम तो बस यूं ही हो भाभी, भला गुंडों से इस तरह बातें करते हैं? तो मैं क्या जानू, जीवन में पहली बार गुंडे से पाला पड़ा है। आज बड़ा मजा आया भाभी। मालूम तो होता है, क्या भला? नवी दुनिया मेरा राबर से जिया रातर से उदे उदे बदरा नन्नी नन्नी दुनिया मेरा राबर से जिया रातर से उदे उदे बदरा। वाह, क्या भरन पड़ रही है। बादल गरजे, बिजली चमके, पवन चले सन सन। भीग गए ना, कहीं रुक नहीं जाते? आज तो पहले पहल में बसा है, आज न भीगते तो फिर कब भीगते? न झटपट कपड़े बदल डालो। नहीं भाभी, आज तो जी भर के मैं नहाऊंगा। चलो सब भीगेंगे। और दुकान हो गया तो? हो, दुकान तो मेंढकियों को हुआ करता है, हाथियों को नहीं। चलो भाभी चले। हटो जी, तुम तो बालक हो, मगर मैं तो बुद्धि। ठीक ठीक, बालक भैया नहाएगा, बुद्धि बहन लाएगी। बालक भैया नहाएगा, बुद्धि बहन लाएगी। बालक भैया नहाएगा, बुद्धि बहन लाएगी। बालक भैया नहाएगा, बुद्धि बहन बालक भैया नहाएगा, बुद्धि बहन बालक भैया नहाएगा, बुद्धि बहन लाएगी। बालक भैया नहाएगा, बुद्धि बहन लाएगी।